आफ्टर 5 to 6 अटेम्प्ट्स फाइनली कुछ फंसा है कांटे में, अभी देखते हैं एक्चुअली मछली है या पोपट हुआ है। ब्यूटीफुल डे इन पुणे गाइज, एंड आज है 12th of January, अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे ऑलमोस्ट, और आई एम बैक विथ वन मोर व्लॉग टुडे एंड इट्स अ ट्रैवल व्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल बाल कट चुके हैं, बैक टू शॉर्ट हेयर, थैंक यू सो मच तारिक भाई एक ट्रेंडी हेयर कट के लिए। सेकेंड थिंग, थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर द लव एंड सपोर्ट टू द चैनल एंड स्पेशली फॉर द प्रीवियस वीडियो, इट वेंट टू ऑलमोस्ट 2000 व्यूज एंड 100 लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, so I'm really grateful for that. Today I'm traveling somewhere in Nasik, so please stay tuned for that and I hope you guys enjoy this video. All right, so आज के vlog में हमारे साथ होंगे हमारे तीन खास दोस्त, सबसे आपको एक एक करके मिलाता हूँ। तो सबसे पहले जिनसे आपको मैं मिला रहा हूँ वो है, so he is Amir guys, Amir Khan. Hello everyone. Yes, he is like my big brother. और भी कुछ लोग हैं जिनसे मैं आपको मिलाता हूँ। और हमारे साथ है जावेद, ही इज द हाय गाइस, हमारे जो थर्ड फ्रेंड है जो हमारे साथ वो है राणा दग्गुबत्ती सर। हाय सर, हेलो, हाय गाइस। सो नॉट राणा दग्गुबत्ती, ही इज अनिकेत। राणा दग्गुबत्ती इनके जैसे दिखते हैं, ये उनके जैसे नहीं दिखते। तो अभी निकलते हैं और हमने सारा फिशिंग इक्विपमेंट भी ले लिया है, बैग पूरी रेडी है। Alright everyone, so we are on our way to Bandardara Lake camping and I have Aniket with me, Amir, hey, and Javed. Hi guys. So we four are traveling to Bandardara Lake camping. आज रात को वहाँ पे रुकेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, सारी एक्टिविटीज करेंगे और कल सुबह वापस आने का प्लान है। सो हमको लग जाएंगे लगभग 4 घंटे वहाँ पहुँचने के लिए अभी पुणे से। सो गाइज, आर यू एक्साइटेड? ऑल राइट, सो अभी गाइज ऑलमोस्ट 2 hours और लगेंगे, अभी यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं एक होटल आसवाद में, चाय ब्रेक है, नॉर्मल बस चाय पियेंगे। अनिकेत ड्राइव कर रहा है, ऑल सेट, मज़ा आ रहा है, स्मूथ जर्नी अभी तक। तो इंस्टेड ऑफ चाय वी आर हैविंग लस्सी, चीयर्स, एंड दिस इज अ स्मॉल 10 minutes ब्रेक एंड देन वी विल बी लीविंग बैक। विल कंटिन्यू द जर्नी टू बंदारदारा और चैनल टेक ओवर हो गया आमिर भाई की तरफ से, तो आयाज इज नो मोर व्लॉगिंग, आपको आमिर भाई देखेंगे अभी चैनल पे। सो पुणे कर आयाज, बाय बाय। ओके सो गाइस, वापस बैक इन कार, लस्सी ओके ओके थी और वापस कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नी और अभी कार चलाएंगे आमिर भाई। सीन हो गया एक, 13 किलोमीटर हम लोग गलत रास्ते पे आगे चले गए हैं, तो अभी वापस यू टर्न लेके वापस जा रहे हैं, जहाँ से हमको राइट लेना था हम लोग ने वो राइट लिया नहीं और सीधा चले गए। एक छोटा सा फोटो सेशन हो रहा है, सारे मॉडल्स गाड़ी पे फोटो खिंचाने के लिए रुके हैं, हमारा कोई फोटो नहीं खींच रहा यार। अभी फोटो सेशन ख़त्म, बहुत सारे फोटोज़ खींच लिए, इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेंगे, अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप फॉलो कर सकते हो पुणेकर अयाज। This is what
द व्यू लुक्स लाइक. ये है लेक और हमारे कैंप वहाँ पे कहीं पे होंगे उस कॉर्नर में. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस. क्या बोलते हैं आप लोग? आमिर, व्हाट्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट द प्लेस? वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लॉट ऑफ विंड एंड द स्काई इज वेरी क्लियर, यू कैन सी एवरीथिंग. ऑसम व्यू, ऑसम. तो एक्चुअली हमारा लोकेशन अलग होने वाला है थोड़ा सा, हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. सो अभी वापस कार निकल के वहाँ पे जाएंगे. मुझे यहाँ पे आके वो पबजी वाली फीलिंग आ रही है सही में. इरेंगल मैप जैसा लग रहा है मुझे थोड़ा से. सो गाइज, ही इज़ नामदेव, ही इज़ गोइंग टू गाइड अस फॉर द एंटायर ट्रिप. अभी हम लोकेशन पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमारे टेंट्स रहेंगे. मैं इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप लोगों को. एनीबडी हु वॉन्ट्स टू कम टू भंडारदरा लेक प्लीज़ कॉन्टैक्ट देम, बिकॉज ऑनेस्टली जो प्राइस हम लोग को मिला है ना गाइज, बेस्ट. हम लोग ने ऑनलाइन ट्राई किया, इट वॉज अराउंड 2000 पर पर्सन, 2500, बट जो प्राइस इन्होंने दिए वेरी चीप. सो आप एनी टाइम उनको कॉन्टैक्ट करो, आप बात करो उनसे और वो डेफिनेटली आपको अरेंज करा के देंगे. और ये हम लोग आ चुके हैं हमारे कैंप्स पे. तो ये दो हमारे टेंट होने वाले हैं और यहाँ से इनको शिफ्ट करके हम लोग लेके जा रहे हैं उनको यहाँ पर. सो यहाँ पे हम लोग के टेंट होंगे गाइस. और यहाँ से व्यू तो माशा अल्लाह, जितना देखो उतना कम है. सो अभी फ़िलहाल के लिए तब फ्रेश होंगे, थोड़ा फ्रेश होके खाने का कुछ तो देखते हैं, क्योंकि सब लोग ने खाना कुछ खाया नहीं, सुबह में बस ब्रेकफास्ट किया हुआ है. तो खा के फ्रेश होके फिशिंग करने वाले हम, और होप्स हो कि एक मछली पकड़े और रात को उसका ही बारबेक्यू करके खाने का प्लान है. तो करते हैं व्लॉग कंटिन्यू इसके आगे. चेंज और टच, तैयारी चल रही है फिशिंग की पूरी. आमिर भाई लगे हुए पूरा सेटिंग करने में. थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गई है क्योंकि खाए नहीं कुछ. 6 बजे हमको सिर्फ भजिया खाने को मिलना है. हमारी फिशिंग रॉड हो चुकी है रेडी, बस चारा आने का वेट कर. अबे ऊपर पकड़ना थोड़ा. और फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारा ये. चारा लग चुका है, हमने आटा यूज़ किया एज अ चारा. बहुत दूर से और देखते हैं हम लोग क्या पकड़ पाते इसमें. सो फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है फेल, मछली चारा खा के गुल. तो अभी वापस सेकेंड अटेम्प्ट हो रहा है, वापस चारा लगाया जा रहा है. तो अभी ऐसे कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे पता नहीं, बट आज मछली पकड़ के रहेंगे. आफ्टर 5 to 6 अटेम्प्ट्स फाइनली कुछ फंसा है कांटे में. अभी देखते हैं एक्चुअली मछली है या पोपट हुआ है. आमिर भाई लगे हुए पूरे, बहुत ही ज़्यादा मशक्कत. तो अपनी जान पे खेल के अनिकेत जा रहे हैं पानी के अंदर सिर्फ एक मछली के लिए. बड़ी मछली होगी तो खाने में बहुत मजा आएगा. अनिकेत कम ऑन. पोपट हो चुका है, 9 मछली. पत्थर में फंसा था, हमको स्टोन भी गवाना पड़ा, हुक भी गया. अब नया हुक लगाएंगे, वापस ट्राई करेंगे. शायद से आज मछली नहीं खा पाएंगे हम. अभी शाम भी हो गई है. व्लॉग सनसेट के बिना तो इनकम्प्लीट है. तो ये देखो टाइम लैप्स सनसेट का. सो अंधेरे के कारण फिशिंग कैंसिल कर दिए और ठंड भी बढ़ गई है, तो हम लोग वापस टेंट के पास आ गए हैं. बारबेक्यू स्टार्ट हो चुका है अभी वहाँ पर. बारबेक्यू बन के हो गया रेडी, अभी टेस्ट करेंगे कैसा लग रहा है. आमिर ने ऑलरेडी खाना स्टार्ट कर दिया है. अमेजिंग,
अमेजिंग है. बहुत अंधेरा है, हम लोग बस इतनी सी लाइट में हमको ब्लॉक करना पड़ रहा है. गरम करते हैं. ओके ऑसम, बहुत ही बढ़िया बना गाइस. देखो इट्स टू गुड. अभी थोड़े से वो खाते हैं गरम गरम. अभी जस्ट बारबेक्यू से उतार के सीधा पेट में आ रहा है गाइस. बहुत मज़ा आ रहा है. राइट गाइस, जो मेन रीज़न था भंडारदारा आने का, जो कि स्पेशली था नाइट व्यू के लिए, जो आप स्टार्स देख पाते हो. अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं मोबाइल से व्लॉग करता हूँ, सो मोबाइल कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा है. बट बिलीव मी इट्स ब्यूटीफुल. अगर आपको कभी भी चांस मिलता है आप आओ. आप जब खुद यहाँ से देखोगे ना तभी आप उसका रियल एक्सपीरियंस ले सकते हो. सो आई ट्राई टू पोस्ट सम पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम, आप वहाँ पे देख सकते हो. प्लीज़ फॉलो, माई आई डी इज़ पुणे करायाज. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर द लाइट. तीन तीन टॉर्च, बहुत अंधेरा है सो उसके लिए. सो आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू द लेक. और मे बी आप लोगों को वाटर का साउंड आ रहा होगा. अभी मैं दो मिनट के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगा और आप शायद से सुन पाओ. सो ये भी गो. बहुत ये जो फीलिंग है ना गाइज, वो आप यहाँ पे आके ही ले सकते हो. सो जब भी चांस मिलता है प्लीज़ आप आओ और ये एक्सपीरियंस यहाँ पे आके करो. व्लॉग देख के उतना मज़ा नहीं आ पाएगा. सो गाइज एक्चुअली अभी जस्ट खाना खाया है, व्लॉग नहीं किया बिकॉज बहुत ज़्यादा अंधेरा है और लाइटिंग का प्रॉब्लम है, सबकी बैटरीज लो है. ठंड इतनी ज़्यादा है कि टेंट से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है. लेकिन अभी हम सो जाने वाले हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है. सो अभी फ़िलहाल के लिए तो गुड नाइट गाइज, आई विल सी यू टुमारो. सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे इन भंडारदारा. लास्ट नाइट इट वॉज सो कोल्ड दैट वी कुडंट व्लॉग. एंड राइट नाउ जस्ट सी द प्लेस, हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स इन द मॉर्निंग. Look at the lake. So now we'll be leaving in 1 hour's time because we have to reach Pune by 12 o'clock anyhow. So few travel tips for you guys very quickly. So if you are coming over here, the best time to come according to me is winter and summers. ठंडी में और ज़्यादा मज़ा है क्योंकि जब ठंड होती है तो यू कैन डू बॉन फायर, बारबेक्यू वगैरह. सो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे हिसाब से. अभी आपका प्रेफरेंस अलग हो सकता है. सेकेंड थिंग द बजट. बजट पर पर्सन के हिसाब से आई विल नॉट कंसिडर ट्रैवलिंग कॉस्ट बिकॉज आप लोग कहीं से भी आ सकते हो. सबका डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है. सो जस्ट यहाँ पे स्टे का और खाने का आई वुड कंसिडर 2000 पर पर्सन इज इनफ, मोर देन इनफ आई वुड से. So that's the budget. And if you're planning to come over here, there will be a number for Suresh in the description. So you can call him anytime. Very nice person, very friendly, and all facility he provided. So thank you so much Suresh bhai for that. And nothing else. It's a beautiful place to visit. You can come with your friends, family, as a couple, as a group. And I'm sure that you would love this place. And one more thing guys. इंटरनेट के लिए सिर्फ एयरटेल चलेगा. वोडाफोन, आइडिया, एनी अदर नेटवर्क्स बहुत वीक, मतलब ना के बराबर चलते हैं. यू कैन ओनली रिसीव कॉल्स और आउट कॉल, इंटरनेट ज़ीरो. एंड यस, पावर बैंक्स डू कैरी विथ यू गाइस सो दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स है नहीं, सो यू कैन चार्ज योर डिवाइस. ऑल राइट गाइज, सो इट्स टाइम फॉर अस टू लीव एंड इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग ओवर हियर. आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो. If you have enjoyed, please like, share and subscribe. Yes, so please do subscribe to the channel. I will see you guys in the next vlog. Till the time, take care.